गाड़ी को, मैं पूरा वजन डाल और आगे नहीं पा रहा है गाड़ी को। अबे क्या हुआ बॉस, लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया बॉस। बॉस यही वो डंडा जिससे उसने जादू किया था बॉस। अच्छा तो तुम लोग भी अपने हथियार रेडी रखो। हथियार? हाँ जो भी अपने पास हो। हाँ बॉस। हाँ मैं उसको भूल देता हूँ। ए ऐसे हथियार तो अपने पास भी बहुत है, हिम्मत है तो बिना हथियार के लड़के दिखा। अच्छा तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। अरे ये हुई ना बात। ए रेडी हो तुम लोग? हाँ बॉस। चलो उतरो। बच्चा की क्या है? भूल गया क्या, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या मत कर रहे? हाँ बोल। तो हम आज बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो कहाँ गया जोदाड़ो, मेरा मतलब कहाँ गया ये बच्चा? अरे आप सबको अच्छे से पता है ना कि मेरी क्लास में बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते, तो ये बच्चा बिना परमिशन के बाहर कैसे गया? तुमने देखा? तुम्हें
यहाँ क्या कर रहे थे? सर वो मेरी बुक नीचे गिर गई थी, वही लेने गया था। किताब नीचे उठाने गए थे या सोने गए थे? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ बच्चा कहाँ है बच्चा कहाँ है, तुम्हें आवाज नहीं सुनाई देती? सर सुनाई तो दिया पर मुझे पता नहीं था कि वो बच्चा मैं ही हूँ। तुम पक्का सोने गए थे है ना? मुझे भी 30 साल बेंच के नीचे सोने का एक्सपीरियंस है, और जब मैं भी पकड़ा जाता था ना तो ऐसे ही बुक उठाने का बहाना करता था। हाँ। और तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो ना? अगर तुम सो नहीं रहे थे तो इसका मतलब है तुमने मेरी सारी बात ध्यान से सुनी, मैंने क्या पढ़ाया तुमने सुनाया है ना? तो बताओ बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? सर वो पकड़ा गया चोर। हाँ। अब बताओ। सर मुझे पता है आप मोहन जोदड़ो की सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे थे। वो तो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे तो अब तुम मोहन जोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता पे प्रकाश डालो। बोलो सर वो क्या? इधर आओ, अब सारी क्लास के सामने खड़े हो जाओ। बच्चों ये बेंच के नीचे नहीं छुपा हुआ था, इसने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी है ना? तो अब ये आपको मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाल के दिखाएगा। चलो प्रकाश डालो, डालो प्रकाश। जी सर। मंटू वो तुम्हारा चाबी वाला चल रहा था ना? ये क्या हो रहा है? प्रकाश की तैयारी सर। आपकी तैयारी? मोहनजोदड़ो की सभ्यता सर, डाल दिया प्रकाश। इधर आओ तुम। तू गया बेटा आज काम से? मैंने सर आज उसका फर्स्ट डे स्कूल में। और सर हम बच्चे तो बहुत भोले ही होते हैं ना, जैसे टीचर बोले वैसे करते हैं। आपने बोला प्रकाश डालो, उसने डाल दिया। आपको बोलना चाहिए था ना मोहनजोदड़ो और उसकी सभ्यता के बारे में विस्तार से बताए, तो बता देता सर, बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा बहुत इंटेलिजेंट है, सब आता है। तो ये बताओ कि अंग्रेज भारत छोड़ के कैसे भागे थे? सर उस वक्त मैं वहां नहीं था। ए मेरा मतलब है कि मैंने वो पढ़ा नहीं है सर, फिर भी मैं बता सकता हूँ। अच्छा देखो बच्चों इसने पढ़ा नहीं है लेकिन कह रहा है मैं बता सकता हूँ। देख ले बेटा, अगर नहीं बता पाया तो मैं प्रिंसिपल से कह के तेरे को चौथी क्लास से सीधा पहले क्लास में करवा दूंगा। सर उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ कि अंग्रेज भारत छोड़ के कैसे भागे थे। 1 2 3 भागो! क्या कर रहे हो तुम? सर मैं बता रहा था कि अंग्रेज कैसे भागे थे। सर आप भी भागे होते ना तो ऐसे ही भागे होते। ए, तू गया आज बेटा काम से? अरे नहीं नहीं सर, और हम बच्चे तो भोले होते हैं, आप जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं। आपको पूछना चाहिए था कि अंग्रेज भारत छोड़ के कब गए, क्यों गए, कैसे गए, तो ये बता देता सर, ये बहुत इंटेलिजेंट है ना मैम? अच्छा बहुत इंटेलिजेंट है बेटा, तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ सर। देखो बच्चों अपने मुंह से अपने आप को इंटेलिजेंट कह रहा, अभी मैं तेरी सारी इंटेलिजेंट्री निकालता। सर इंटेलिजेंट्री नहीं, इंटेलिजेंसी। हाँ हाँ वही, चुप बेटा। गाय पे निबंध लिख के बता। गाय पे निबंध? फंस गया ना। नहीं आता है ना? नहीं सर आता है। हाँ हाँ मैं कुछ करता हूँ। सर क्या मैं 1 मिनट बोलू से बात कर सकता हूँ? तू पक्का गाय पर निबंध लिख सकते है?
ये क्या? तो शेर, चीता, भालू सब पे निबंध लिख सकता। अरे शेर चीता पर निबंध नहीं लिखना है, गाय पर निबंध लिखना है, नहीं तो तू अपने साथ मेरी भी वाट लगवाएगा। मैंने कितना इंटेलिजेंट बोल के चढ़ा है तुझे। गाय पर निबंध नहीं लिखा ना तो टीचर तेरे साथ मेरी भी आरती उतार देगी। हो गया एक मिनट, चलो इधर आओ और गाय पे निबंध लिख के दिखाओ। हाँ सर। अरे महेश, ये देखो क्या छपा है। बच्चों ये देखो आज के अखबार में क्या छपा है। क्या छपा है? हाँ, बूढ़े में से जवान होने का फॉर्मूला छपा है। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला। हाँ वो वही, सेम टू सेम। लाइए दिखाइए क्या छपा है। अरे बालवीर की खबर छपी है, उसने 3 गुंडों से बच्चों को बचाया है। वो 3 गुंडे की तस्वीर भी इसमें। बालवीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ए महेश, तू आज से बालवीर को कहना कि बच्चों को बचाने के साथ साथ ना बूढ़ों को भी बचाना शुरू कर दे। ठीक है। ये मेरे बारे में कह रही है? मुझे नहीं पता। क्या हुआ भाई? ए क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? बगीचे से इतना जल्दी क्यों आ गया? मुझे कोई बगीचे के अंदर घुसने ही नहीं देता। सारे बच्चे कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं झूले पे नहीं झूलूंगा। मगर माँ, तुम तो कहती हो कि मैं अभी भी छोटा हूँ। मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं तो छोटा हूँ ना। हाँ रॉकी भैया, आप छोटे हैं, आपका दिल भी बच्चे जैसा है, लेकिन ये बात वो बच्चे तो नहीं समझेंगे ना। तो समझाओ ना उनको, उनको समझाओ कि मुझे झूला झूलना है, मुझे वो गोल गोल वाला झूला झूलना है, मुझे वो ऊपर नीचे वाला झूला झूलना है, आगे पीछे वाला झूला झूलना, मुझे झूला झूलना है। अब बेटा झूले को छोड़ना, चल मैं तुम्हें आइसक्रीम देती हूँ। हाँ। और हाँ, वो गर्मा गर्म कचौरिया भी। हाँ, अच्छा। हाँ। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे कचौड़ी नहीं खानी, मुझे बगीचे में जाना है, मुझे झूले झूलने। मैं बालवीर को बोलूंगा और उसको बोल के ये बच्चों की डांट पड़वाऊंगा। रॉकी चाचू, बालवीर तो बीबी भी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर, फिर वो बच्चों को कैसे डांटेगा? तो मानो बेटा, तुम्हारे बालवीर से कह के चाचू के लिए एक अलग बगीचा मांग लो। मुझे अपना एक बगीचा चाहिए जिसमें सिर्फ मैं झूला झूलूंगा और कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब ये रॉकी को कैसे समझाऊं? कॉलोनी के बच्चों को तो इसका बढ़ता हुआ बदन ही दिखता है, इसका छोटा मन नहीं। और अब बच्चों का भी क्या कसूर, जो दिखता है वही वो तो समझते है ना। हे भगवान, इसकी परेशानी में कैसे दूर करूं? रॉकी चाचू, बालवीर ने आपकी पुकार सुन ली, आप देख लें अब इसी घर में आपके लिए बगीचा बनेगा, ये वादा है बालवीर का। और उसके बाद डूबा डूबा एक, हाँ डूबा डूबा एक, क्या सोच रहे हो? इतनी देर से देख रही हूँ, अपने होठों पे जीभ फेर फेर के कुछ ना कुछ सोच रहे हो। नटखट परी, हे आ रही याद मुझे पृथ्वी लोक की, उन घरवालों की, वो दादाजी जो हिमक्रीम के डिब्बे के बगल में खड़े होकर मुझे व्याकरण पढ़ाते थे, वो दादी जी जो हिमक्रीम के डिब्बे के बगल में खड़े होकर पूजा करती थी, वो रॉकी चाचू जो हिमक्रीम के डिब्बे के सामने खड़े होकर मुझसे खेलते थे। डुबा डुबा एक, ऐसे घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो?
सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हें घर वालों की नहीं हिमक्रीम की याद आ रही है। हाँ नटखट परी, आ रही याद मुझे हिमक्रीम की और आ रही खुशबू हिमक्रीम की भी। हा हिमक्रीम नटखट परी है लगता मुझे है हिमक्रीम दूर मुझसे 10 हाथ। नटखट परी है लगता मुझे अब तो है हिमक्रीम मुझसे 5 हाथ दूर है लगता मुझे अब मैं बढ़ाऊंगा हाथ में आगे और आ जाएगी हिमक्रीम हाथ में। बालवी तुम यहाँ कैसे? हिमक्रीम ले लो हिमक्रीम ठंडी ठंडी हिमक्रीम मस्त मजेदार हिमक्रीम। ये हिमक्रीम खत्म क्यों नहीं हो रही? वो क्या है ना बालवी, मैंने जादू से हिमक्रीम की मात्रा बढ़ा दी। बड़ा मन करा था ना डुबा डुबा एक को हिमक्रीम खाने का, अब इसे आराम से खाने दो। नटखट परी मैं आपके पास एक खास काम से आया था। बोलो ना बालवी क्या काम है? नटखट परी पृथ्वी लोक पे रॉकी चाचू बहुत परेशान है, उन्हें वहाँ के बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, उन्हें बगीचे में खेलने नहीं दे रहे। लेकिन बालवीर तुम तो बालवीर हो, फिर तुम्हारे रहते रॉकी चाचू परेशान कैसे रह सकते हैं? तुम तो उन शैतान बच्चों को अच्छे से सबक सिखा सकते हो। नटखट परी वो बच्चे शैतान बच्चे नहीं है, बल्कि रॉकी चाचू उम्र में बड़े हैं पर उनका दिल बच्चे जैसा है। ये बात बच्चे समझ नहीं पा रहे इसलिए वो उन्हें बगीचे में खेलने नहीं देते। अच्छा तो ये बात है, लेकिन अब इसका क्या किया जाए? सोचो बालवीर सोचो। नटखट परी मैंने पहले से ही सोच के रखा है। क्या? आप रॉकी चाचू के घर में बड़ा सा बगीचा बनवा लो, उसमें सारे झूले लगवा दो, फिर बगी चाचा रॉकी चाचू को सारे झूले पे बिठा के खिलाएंगे। बगी चाचा? अब ये बगी चाचा कौन है? यहाँ पे जादुई डंड लेने नहीं, सिर्फ उसकी शक्तियों का निचोड़ लेने आए हैं। हाँ तौबा तौबा, जिससे भयंकर परी भी आजाद हो जाए और रानी परी को हम पर कोई शक भी ना हो। तराज मैं इस जादुई डंड के ऊपर ये जल छिड़कूंगी और तुम इस जल को इकट्ठा करना। ठीक है नाराज। चलो तराज। ये परिया एकदम बेवकूफ है, सामने पूरा खजाना और ये उठा रही है चिल्लर। पर हूँ नहीं मैं बेवकूफ, भाग जाता हूँ उठा के ये जादुई दंड, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा देखता हूँ। तौबा तौबा, क्यों छुआ तुमने इसे?